Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel EduTalk. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, डेट इज़ फेमिनिज़म एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज़म. सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि फेमिनिज़म क्या होता है. मैं आपको फेमिनिज़म की डेफिनेशन अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, और इसकी जो वेव्स हैं वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. सो हमारी फेमिनिज़म की जो हमारी वेव्स थी, सो देवर थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज़म, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव. सो बेसिकली दीज वेव्स आर द ओरिजिनेशन ऑफ फेमिनिज़म, कि आप लोग को जो फेमिनिज़म है, जो फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, जिसको हम बोलते हैं कि क्या इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ. अब हम लोग कोई भी कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन राइट्स को, तो ह्यूमन राइट्स का भी क्या ओरिजिनेशन था, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये सारी जो हिस्ट्री होती है उसको ही बोलते हैं हम ओरिजिनेशन. तो फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट है उसकी थ्री वेव्स हैं. फर्स्ट वेव में फेमिनिज़म कैसे आपको ओरिजिनेट हुआ था, फिर सेकंड वेव में कैसे क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट थी, फिर फाइनली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म क्या था. सो आज की ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो हम शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है. तो हम शुरू करते हैं फेमिनिज़म एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज़म को. सबसे पहले हम समझेंगे कि फेमिनिज़म क्या होता है. सो देखो, फेमिनिज़म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नारीवाद, लेकिन बहुत से लोगों को फेमिनिज़म की जो असली डेफिनेशन है, जो असली मतलब है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता. बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि नारीवाद फेमिनिज़म का जो मतलब है वो ये है कि सारे के सारे जो राइट्स हैं, सारी की सारी जो पावर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सिर्फ वीमेंस के हाथों में आ जाए, और जो मैंस हैं उनको बिल्कुल ही हम लोग सोशल एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल ऑर्डर से बाहर कर दें. बट ऐसा नहीं होता. फेमिनिज़म का मतलब इससे बहुत ही हटके है और बहुत ही डिफरेंट है, और फेमिनिज़म एक बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट है. सो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ और समझाती हूँ आपको. फेमिनिज़म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज एम्ड एट डिफाइनिंग, establishing and defending equal political, economic and social rights for women. So आपको समझ में आ गया होगा कि जो फेमिनिज़म है वो क्या है. फेमिनिज़म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजी. तो मतलब फेमिनिज़म एक कलेक्शन है जिसमें आइडियोलॉजीज भी हैं, मूवमेंट्स भी हैं, जो क्या डिमांड करती है कि जो हमारे वर्ल्ड में लेडीज़ हैं, जो वीमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए. कौन कौन से राइट्स होने चाहिए? सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है. तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट इज़ फेमिनिज़म, तो आप बोल सकते हो कि फेमिनिज़म इज़ अ आइडियोलॉजी विच एम्ड एट इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वीमेन. सो फेमिनिज़म का सिर्फ एक ही डिमांड रहता है कि जो लेडीज़ हैं, जो वीमेंस हैं, उनके लिए जैसे इक्वल राइट्स मैन इंजॉय कर रहा है, जो हमारे सोसाइटी में मैन है, जो मेल है, जो जेंट्स हैं, जो राइट्स उनके पास है, सेम राइट्स हम लेडीज़ को, हम वीमेन को भी प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है. इट इंक्लूड्स सीकिंग टू इस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. और फेमिनिज़म क्या क्या बोलते हैं कि equal opportunities for women in education as well as in employment field establish होनी चाहिए. तो feminism की जो ideology है, जो feminist हैं, जो scholars हैं, वो क्या demand करते हैं कि ladies के लिए, females के लिए equal opportunities होनी चाहिए. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ladies हैं, कोई भी ladies अगर job करती है, अगर वो काम भी equal कर रही है, लेकिन उनको जो सैलरी है या फिर जो वेजेस है वो कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी जेंडर है, मेल हो या फीमेल, वो अगर काम जो उनका है वो इक्वल है, तो उनको सैलरी भी उनको इक्वल ही मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर आप फीमेल हो तो आपको सैलरी कम दे रहे हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं. इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा हमारे फेमिनिस्ट की थिंकिंग है. अ फेमिनिस्ट एडवोकेट्स और सपोर्ट्स द राइट्स एंड इक्वलिटी ऑफ वीमेन.
सो फेमिनिस्ट क्या सपोर्ट करती है कि जो वीमेन हैं उनको इक्वल राइट्स मिले और उनका जो भी स्फेयर है, एजुकेशन स्फेयर है, एम्प्लॉयमेंट स्फेयर है, सब में उनको इक्वलिटी देखने को मिले. फेमिनिस्ट थ्योरी विच इमर्ज फ्रॉम दीज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एम्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी बाय एग्जामिनिंग वीमेन्स सोशल रोल्स एंड लिव्ड एक्सपीरियंस. फेमिनिज्म इज मेनली फोकस्ड ऑन वीमेन्स इशूज एंड एडवोकेटेड फॉर वर्क प्लेस राइट इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव एंड अगेंस्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन. सो फेमिनिज्म का जो मेनली फोकस है वो क्या रहता है, वीमेन्स के इशू पे. अगर कोई भी वीमेन है उसके साथ कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है एंड किसी भी तरीके का हरासमेंट अगर कोई भी लेडीज़ कोई भी वीमेन अगर फेस कर रही है, तो फेमिनिस्ट की ये मेन रहती है कि हम वीमेन के इक्वल राइट्स की और उनके प्रोटेक्शन की बात करें. ठीक है, और ये जितने भी आप लोग अभी देख रहे हैं कि जो वीमेन हैं उनको लाइक मैटरनिटी लीव मिलती है एंड कोई भी अगर उनके साथ हैरेसमेंट होता है तो उस पर एकदम से केस हो जाता है. सो ये सब चीज़ें फेमिनिस्ट मूवमेंट के वजह से ही आज हम लोग पॉसिबल कर पाए हैं. क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि जो पहले का हमारा टाइम था, नॉट ओनली इंडिया बट पूरे वर्ल्ड का जो टाइम था, उस पीरियड में जो लेडीज़ थी उनकी कंडीशन क्या थी आप लोगों को पता है. जो लेडीज़ थी उनका काम सिर्फ घर में था कि उनको झाड़ू पोछा करना है, उनको खाना बनाना है, और जो उनके चिल्ड्रन हैं उनको उसकी केयर करनी है. बाकी बाहर का जो स्फेयर है, ना कुछ कमाने की, ना कुछ एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कोई भी जॉब करने का कोई भी राइट नहीं था, और ना ही कुछ पॉलिटिकल में लाइफ में, ना ही उनको कुछ बोलने का अधिकार था, और ना ही उनके पास कोई भी राइट्स होते थे. राइट टू वोट, कुछ भी उनके पास राइट्स नहीं होता था. बट आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म, आफ्टर द ओरिजिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी लेडीज़ जो हमारे जो वीमेन्स हैं, ठीक है, वो सब इक्वल राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं. वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से. ठीक है, अगर फेमिनिस्ट जो स्कॉलर हैं, जिन लोगों ने मूवमेंट्स को लीड किया, अगर वो लोग सोचते ही नहीं कि हमको कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी छेड़नी हैं, तो आज शायद हम लोग जो लेडीज़ हैं, जो वीमेंस हैं, आज वो पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड रह जाती. ठीक है, these are various approaches to understand the concept of feminism such as liberal, radical, marxist, socialist and black feminism, postmodern feminism and ecofeminism. so ye bahut sari approaches hain, jaise ki aap log jab political theory ko study karte hain to usme hum log bahut sari schools padhte hain, traditions padhte hain, like marxist, liberal, ye sari जो होती हैं. वैसे ही फेमिनिज्म के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं. ठीक है, फेमिनिस्ट बिलीव पैट्रियार्की टू बी द प्राइम कॉज ऑफ मिजरी ऑफ वीमेंस लाइफ्स. सो फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं, जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की मतलब कि फादर रूल, कि जितना भी जो रूल है फैमिली का, जो डोमिनेशन है, जो हेड है फैमिली का, वो कौन होगा, हमेशा कोई मेल होगा, कोई आदमी ही होगा. कोई भी वीमेन फैमिली को लीड नहीं कर सकती, इसको हम बोलते हैं पैट्रियार्की. ठीक है, तो फेमिनिस्ट बोलते हैं जो पैट्रियार्की है वो प्राइम कॉज है, वो मेन कॉज है जो हमारी वीमेंस की लाइफ आज इतनी ज़्यादा मिजरेबल बन गई है, ये इसका मेन कॉज है. अगर हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता तो हमारी वीमेंस की लाइफ बिल्कुल भी बेकार नहीं होती और उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती. सो फेमिनिस्ट बिलीव डेट ऑल दीज इनइक्वलिटीज़ आर बिकॉज ऑफ ओनली पैट्रियार्की. तो आपका जब आंसर लिखने के लिए आए तो आप जो इस तरह के मेन पॉइंट्स हैं, लाइक पैट्रियार्की इज़ अ प्राइम कॉज, ये सब चीज़ें आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके आएंगे. ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली दे हैव चैलेंज्ड विद अनजस्ट एंड एक्सप्लोटिव सिस्टम.
सो वही है कि अभी भी हम मान सकते हैं कि जो फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा राइट्स हमारी वीमेन के पास हैं और हम लोग एक इक्वल स्टेटस को इंजॉय कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ लैक करती है। और ये चीज़ें कहाँ पे लैक करती है, लाइक जो मान लीजिए रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, कोई भी अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ अभी भी फॉलो होती है। ठीक है, सो हमने यहाँ तक समझ लिया कि फेमिनिज्म क्या होता है। आई होप आपको फेमिनिज्म समझ में आ गया होगा। फेमिनिज्म के कंसेप्ट को लोग बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से समझते हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होता। फेमिनिज्म बस ये डिमांड करती है कि जो हमारी वीमेन हैं उनके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स। फेमिनिज्म के कंसेप्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेल है, जो जेंट्स हैं, उनको हम सोशल राइट्स से, पॉलिटिकल राइट्स से, हर स्फेयर से बाहर कर दें और पूरी जगह से वीमेंस का रूल आ जाए। नो, फेमिनिज्म के आइडियोलॉजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, फेमिनिज्म के जो स्कॉलर्स हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, कैसे कैसे मूवमेंट्स उन लोगों ने करी, और उनकी जो मूवमेंट्स हैं उसका फ्रूट जो है, जिसको आज हमारी सोसाइटी की वीमेन इंजॉय कर रही है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म, एंड इन दैट वी विल स्टडी द थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, फोकस प्राइमरली ऑन द डिस्कोर्स ऑफ राइट्स। सो जो फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की, उसका जो मेन जो फोकस था वो क्या था, राइट्स पे, कि वीमेंस के पास राइट्स होने चाहिए। सेवरल फेमिनिस्ट सच एज, अब यहाँ पे कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के नेम हैं, इनको आप लोग लर्न कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे उनको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। सो दीज आर द सेवरल फेमिनिस्ट स्कॉलर सच एज एमेलिन पैंक्रस्ट एंड जेएस मिल, जो इजी हैं आप उनको लिख सकते हो, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, हैरियट टेलर। इसमें जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है उनका नेम आप ज़रूर लिख के ना, बिकॉज शी इज़ द, मतलब ये वाले स्कॉलर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द फेमिनिस्ट। ओके, सो ये हैं कुछ स्कॉलर्स। दे डिमांडेड फॉर फीमेल एनफ्रेशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एक्सप्लिसिट इन देयर वर्क। दिस वेव इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द लिबरल फेमिनिज्म ऑफ लेट 19th एंड अर्ली सेंचुरी। सो फर्स्ट वेव कब आई थी, 19th एंड 20th सेंचुरी में। इसको आपको लर्न करना है कि कब आई थी ये, और इसके जो मेन मेन स्कॉलर्स थे उनके नेम आप लर्न कर सकते हो। तो इन लोगों ने क्या डिमांड किया था कि जो वीमेंस के राइट हैं उनको एक्सटेंड करना चाहिए, और कौन कौन से राइट्स की बात की गई थी, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। सो फर्स्ट वेव में आप लोग को ये समझना है कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वॉज स्टार्टेड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, एंड दे हैव डिमांडेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। कौन से राइट्स, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट वेव। अब हम मूव करते हैं सेकेंड वेव की तरफ। सो सेकेंड वेव फोकस द पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल ऑपरेशन। सो सेकेंड वेव ने किस पे फोकस किया था, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल ऑपरेशन, कि जो वीमेन हैं उनको पर्सनली, मतलब जो उनके साथ पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इन लोगों ने बात की थी। देर आर मैनी कार्डिनल वर्क्स दैट डिफाइन द थ्रस्ट ऑफ दिस पीरियड आर शुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, जनमिन जेयर्स, द फीमेल एनर्ज एटसेट्रा। दिस वेव इज सीन फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स। सो मेनली आपको ना ये लर्न करना है कि इस वेव में क्या बात की गई थी। सो ये वाली वेव कब स्टार्ट हुई थी, 1960 के बाद, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये वाली वेव कब स्टार्ट हुई थी आप लोग की, लेट 20th सेंचुरी में। ठीक है, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो मेनली दे फोकस ऑन द पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल ऑपरेशन, कि जो फीमेल के साथ जो, मतलब हम बोल सकते हैं हरासमेंट होता है पर्सनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स पे, उसके बारे में लोगों ने बात की थी। फर्स्ट वेव ने क्या बात की थी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। अब थर्ड वेव है, द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज रिप्रेजेंटेटेड बाय
डाइवर्स मोड्स ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन डेवलप स्पेशली आफ्टर 1990s. अब थर्ड वेव कब आई थी? ये थी लास्ट वेव, इसके बाद कोई भी वेव नहीं आई है फेमिनिज्म की. सो ये आई थी 1990s के बाद. ठीक है, द प्रोपोनेंट्स क्लेम दैट इट अलाउज वीमेन टू डिफाइन फेमिनिज्म फॉर देमसेल्फ बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर ओन आइडेंटिटीज. सो इसमें ना बहुत सारे थॉट्स थे, मतलब इसमें बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, थॉट्स थे, और यही बात करी गई थी कि वीमेन को अपने आप को डेवलप करना चाहिए और वीमेन को अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए. ओके, मतलब इन सब ने ही, जो थर्ड वेव थी उसने वीमेन्स के राइट्स के बारे में और वीमेन की जो उनकी अपनी ओन आइडेंटिटी है, जो वीमेन की जो अपनी पहचान है, उसको लेके बात की थी. ओके, सो आई होप आप लोग को फेमिनिज्म एज वेल एज थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म समझ में आ गई होगी. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एजू टॉक को. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.